तमाम वजीरी आला की और यहाँ के वजीरी आजम की, जो हमारे वजीरी आजम रहे हैं शेख मोहम्मद अब्दुल्ला से लेकर दो तीन तो वजीरी आजम भी रहे हैं ना, उनकी हिस्ट्री देखो और 2.5 साल का अरसा जनाब इकराम नबी आजाद साहब का देखो एज ए चीफ मिनिस्टर है। नहीं कि जब वो मंत्री बन गए, जब वो एमएलए बन गए, किसी ने अखबार के जरिए वैकेंसी यहाँ चलाई, किसी ने फोर्स के जरिए वैकेंसी चलाई, लेकिन जब वो उनको माफ किया गया, उनको मंत्री बनाया गया, तो आई साहब नौजवान लड़के अगर आए, अगर ये किसी के बहकावे में आए, अगर गलती गई, बूढ़ा खुद उठेगा पानी लेने जाएगा, तो इस चीज का तो ख्याल करना है। जमीन पे रहिए, हवा में मत उड़िए, हवा में उड़ने से नहीं होता। इसीलिए पॉपुलर अमेरिका झूठे वादे करते हैं, झूठे वादे करते हैं और ले जाते हैं जो चीज उनसे नहीं हो सकती। ये 370 वो कहते हैं अभी भी अजूदियाजत लूटने की बात नहीं की। फिर तो लोगों का माशाल्लाह अच्छा रिस्पांस है। अपने दर्द दिल किसको बोलेंगे? उसको बोलेंगे जो आदमी उनका अपना हो। रिस्पांस लोगों का बहुत अच्छा है, इस पार्टी में आना चाहते हैं, अदल इंसाफ चाहते हैं, इज्जत की जिंदगी गुजारना चाहते हैं, कोई वो जो यूं ही नारे हैं उन पे नहीं जाते, ये चाहते हैं जो बेगुनाह है उनको छोड़ा जाए। तो क्या गलत बात कहते हैं? जिन पे हीनियस क्राइम नहीं है उनको अगर बांध रखा है तो छोड़ा जाए, गलत बात कहते हैं? ये तो यही कहते हैं, हम भी यही कहते हैं और गवर्नर साहब भी यही कहते हैं, मगर समझ में नहीं आता कि वो नीचे क्यों नहीं पहुंचता है। अगर वो हर घर घर नल कहते हैं तो फिर ये पठान बेचारा बूढ़ा यहाँ मेरे सामने क्यों खड़ा है? ये भी देखना है ना। इसका मतलब है कि जो नीचे ऑफिसर्स हैं, ब्यूरोक्रेसी सोई हुई है, वो काम नहीं करती।